अब बात जातिगत जनगणना की, जिसको लेकर सरकार कह कुछ रही है और कर कुछ रही है, यानी कि सरकार के नाम में ही हां है। यकीनन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरकार ने जातिगत जनगणना करा ली है, केंद्र को भेज भी दी है, साथ ही ये भी कह रही है कि वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगी। लेकिन क्या वाकई जो कहा जा रहा है वही सही है, या फिर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और हैं? जातिगत ढांचे को कमजोर करने में संख्या की राजनीति के योगदान को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन अब क्या यही हालात है? ये सवाल इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि आजादी के बाद से अब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई, लेकिन अब हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसका खुलासा नहीं होगा लेकिन सबके सामने सार्वजनिक। मुद्दा बड़ा है, केंद्र सरकार भले ही जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करे लेकिन जातिगत जनगणना के आंकड़ों को वेबसाइट से लेकर थोड़ी सी मेहनत के साथ जुटाया जा सकता है। ऐसे में जातिगत जनगणना के आंकड़ों की गोपनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का वेबसाइट पर पूरा का पूरा ब्यौरा मौजूद है। मेरे सहयोगी गोवर्धन मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से वेबसाइट के ऊपर आप बाकायदा ये जान सकते हैं कि आपके इलाके में, आपके गांव में किस जाति के कितने लोग मौजूद हैं, और सरकार कहती है कि जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। यूपीए सरकार के समय सामाजिक आर्थिक जनगणना के साथ जब पहली बार जातिगत जनगणना शुरू की गई तो खूब बवाल हुआ, खूब हंगामा हुआ, जमकर आरोप लगे, कहा गया कि ये पूरी व्यवस्था को बदल देगा और देश में जातिगत राजनीति की नई बहस शुरू हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही मोदी सरकार आई, सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने का फैसला किया, लेकिन राजस्थान में जातिगत जनगणना का काम लगभग पूरा हो चुका है। आंकड़े केंद्र को भेज दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना का पूरा ब्यौरा इसकी वेबसाइट sec.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई। राजस्थान के सभी जिलों से ड्राफ्ट सूची वेबसाइट पर है। सरकार आंकड़े भले ही जारी ना करे लेकिन स्थानीय स्तर पर थोड़ी सी मदद लेकर जातिवार आंकड़े जुटाए जा सकते हैं, वो भी बेहद आसानी से। ऐसे में फिर आंकड़े जारी करने या ना करना बेईमानी साबित हो गया। ऐसा है जी, जातिगत और धार्मिक और सामाजिक हमने घर घर जाकर के सर्वे कर लिया, सब डेटा ले लिए हैं और जनगणना डिक्लेयर करने का काम भारत सरकार का है। इसलिए भारत सरकार जब चाहेगी, जब इसको डिक्लेयर करेगी और जब भारत सरकार चाहेगी जब डिक्लेयर करेगी। आजाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना की गई। इससे पहले 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। जातिवार जनगणना के आंकड़े केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय जुटा रहा है, लेकिन इस पर बवाल की आशंका के चलते फिलहाल सरकार आंकड़े जारी नहीं करने में ही भलाई समझ रही है। ग्रामीण विकास मंत्री सुरेंद्र गोयल ने खुलकर जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के खिलाफ बताया। गोयल ने यहां तक कहा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने से समाज में विभेद बढ़ेगा। मंत्री गोयल की राय सरकार की राय है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जातिगत जनगणना की गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। जातिगत जनगणना के समर्थन और पक्ष में अलग अलग वर्ग है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा जरूर गर्माएगा। ऐसा जी, जातिगत और धार्मिक ये दो तरह के आंकड़े मेरे हिसाब से जारी नहीं होने चाहिए, जिससे एक समाज में अलग तरह की भ्रांतियाँ नहीं फैले और अलग तरह के मतलब व्यवस्था नहीं बने। इसलिए मेरे हिसाब से जातिगत और धार्मिक जनगणना जारी नहीं होनी चाहिए। वो पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री भी कह रही हैं जो सरकार कह रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर जारी नहीं करने थे तो फिर वेबसाइट पर डाले क्यों, और वो भी इस तरीके से कि आसानी से कोई भी जानकारी जुटा सके और पता लगा सके कि जातिगत समीकरण क्या है और क्या कहते हैं। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी न करके केंद्र और राज्य सरकारें भले ही विवाद को टालने का प्रयास कर रही हों, लेकिन वेबसाइट पर जब सारे डेटा अवेलेबल हैं तो ये पूरी कवायद गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज करने जैसी है।
कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ गोवर्धन चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो शायद आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर ये पूरा माजरा किस तरीके से चल रहा है। केंद्र सरकार कहती है कि जातिगत जो जनगणना की गई है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। जरा उस दौर में लौटिए, 2010 का दौर था, कांग्रेस की सरकार थी। उस दौरान बीजेपी सरकार इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही थी और कांग्रेस भी इसको सार्वजनिक करने की बात कर रही थी। उस दौरान कहा यह गया कि ये आंकड़े देश के विकास में सहयोग करेंगे लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। उसके बाद मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने ये आंकड़े जुटाने की कवायद शुरू की। इस दौरान कई गड़बड़ियां भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर देखने को मिली। जैसे दिल्ली के अंदर जब जातिगत जनगणना की गई तो उस दौरान आंकड़ा 100.7% के करीब था, यानी 0.70% ज्यादा ही जनगणना से दिखाया गया। यह किस तरीके से आया समझ से परा था। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए दलित चिंतक इंद्रराज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रराज जी, सरकार एक तरफ कहती है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगी, दूसरी तरफ वेबसाइट के ऊपर खुले तौर पर सारे आंकड़े मौजूद है, कोई थोड़ी सी जद्दोजहद के साथ आंकड़े जुटा सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जाति आधार पे जनगणना अंग्रेजों ने 1941 में कराई थी जी, उसके बाद एज इट इज कास्ट बेसिस सेंसस एज इट इज, ये तो सर्वे हो रहा है, कास्ट के इकोनॉमिक सर्वे हो रहा है, जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है जी। और काफी हमारे दलित संगठनों की बड़े लंबे समय से मांग रही है कि कास्ट बेस एनालिसिस, ये कास्ट सेंसस होना चाहिए, जो कि अंग्रेज कराते थे जी। 1931 में हुई थी, 1941 में भी हुई थी। लेकिन इंद्रराज जी, आपको लगता नहीं कि अगर जातिगत जनगणना के जो आंकड़े वो सार्वजनिक किए जाएंगे तो एक अलग तरीके की राजनीति देश में शुरू हो जाएगी जिसका बेस जाति आधारित होगा? सुनो, आप देखो, जो ऐसी जातियां जिसको कास्ट बेस पे, जिनको बिचारों को जमीन नहीं मिली है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जी, तो ये पता लगेगा, ये कास्ट बेस से होना चाहिए जी, कास्ट के हिसाब से सेंसस होना चाहिए, पता लगेगा कि कौन गरीब है कौन अमीर है। लेकिन इंद्रराज जी, शायद ये आप भली भांति जानते होंगे कि अभी तक जो जनगणना होती थी उसका एक अहम बिंदु होता था आर्थिक आधार। अगर आप गरीब और अमीर की बात कर रहे हैं तो वो जनगणना के अंदर आता है, फिर जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों? नहीं, जातिगत गणना की जरूरत इसलिए है कि इस देश के अंदर आर्थिक संसाधनों का बंटवारा जाति के आधार पे हुआ है जी। इस देश में जो गरीब है, जो शुद्र अति शुद्र लोग हैं, उनको बेचारों को जाति आधार पे उनको पैसे दिए गए, ये पैसा है उसमें उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई। अब जो जिनके पास जमीन है, जिनके पास व्यापार है, जो कोई उन वर्गों के पास अभी आर्थिक स्थिति बढ़िया है, तो लेकिन इंद्रराज जी, आपको लगता है नहीं कि ये फिर एक बार फिर से वही लाकर खड़ा कर दिया जाएगा कि जो ऊंच नीच का भेदभाव था एक बार फिर से दिखाई देगा? अगर मुद्दा होना चाहिए तो समानता का होना चाहिए, समता का होना चाहिए। नहीं, समता ही पैदा होगी इससे। देखिए, जाति आधारित जनगणना से हमारे पास आर्थिक आंकड़े निकल के आएंगे कि कौन सी कास्ट है जो बेहद गरीब है जी, उसे कास्ट सेंसिस है 1931 में अंग्रेजों ने कराया था, 1941। इंदिरा जी, जरा इसको समझना चाहेंगे, आपके नजरिए से आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि अगर आर्थिक आधार का मुद्दा है तो फिर जातिगत जनगणना के अंतर्गत वो आता नहीं। अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा है तो फिर आर्थिक परिपेक्ष को लेकर क्यों जोड़ रहे हैं? ये देखिए, हमारी बड़ी लंबी समय से मांग रही है दलित संगठनों की कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिससे इस देश में, क्योंकि जाति आधार पे आर्थिक संसाधनों का बंटवारा हुआ है, ताकि हर जाति को ये अंदाजा हो सके कि उसकी पावर कितनी है। नहीं, पावर नहीं है, आर्थिक आधार से, जाति आधार से ये पता लगेगा कि किस जाति के लोग कितने हैं, उनको कितना हिस्सेदारी आर्थिक संसाधनों में है। तो इसको लेकर राजनीति क्यों? अगर मुद्दा इतना सीधा साधा है तो फिर कांग्रेस और बीजेपी इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने से डरती क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कोई भी सरकार अपनी सच्चाई उजागर नहीं करना चाहती। जो वास्तव में, जैसे इस देश में ओबीसी है वो 65% है जी, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है जी, एसटी दोनों 34% है, उनको 28% आरक्षण दिया जा रहा है जी। तो हम चाह रहे हैं कि जाति आधारित पे जब एसटी गणना होती है तो ओबीसी की भी हो जी। हमारी बड़ी लंबी मांग रही है लेकिन हमारी नहीं कोई सुनता है, नहीं पार्लियामेंट भी चीज को सुनता है, नहीं आता। चलिए, इंद्रराज जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका कहना है कि जाति आधारित जो जनगणना है वो होनी चाहिए, सरकार भी जनगणना करा रही है, लेकिन सवाल दरअसल ये नहीं है,
सवाल यह है कि अगर यह आंकड़े सार्वजनिक नहीं करने तो फिर वेबसाइट पर डाले क्यों गए, और अगर वेबसाइट पर डाले गए और हर आम आदमी की पहुंच में है फिर इनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। मेरे सहयोगी गोवर्धन चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, समझना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा खेल क्या है, सार्वजनिक करने की बात की नहीं जाती, वेबसाइट पर खुले तौर पर मौजूद है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए वेबसाइट पर किस तरीके से आंकड़ों को आसानी से जुटाया जा सकता है। देखिए विजेंद्र, जो जहाँ तक जनगणना के जातिगत जनगणना के आंकड़ों का सवाल है, थोड़ी सी मेहनत करके कोई भी व्यक्ति अगर 8-10 दिन लगाता है इसके ऊपर तो पूरे राजस्थान की तस्वीर सामने आ सकती है कि किस जाति के कितने लोग हैं। जो कास्ट सेंसस की जो वेबसाइट है उसके जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो पूरी वेबसाइट है यहाँ पे हाइपरलिंक दिए हुए हैं, सारे जो स्टेट्स हैं आप देख सकते हैं उनके जो पूरी रिपोर्ट है वो डाली गई है। ये जो राजस्थान का आप देख रहे हैं अभी ये ड्राफ्ट इसमें डला हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरे जिलेवार आपको स्थिति नज़र आती है। मसलन दौसा का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ विलेज और पंचायत वाइज क्या स्थिति है इसका पूरा स्टेटस आएगा। मान लीजिए विलेज और टाउन वाइज ले लिया तो यहाँ फिर गाँव वाइज पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और इस लिस्ट के जरिए किस जाति के कितने लोग हैं ये पूरा सीन है। एक गांव है जिसकी लिस्ट हमने खोली है, ये एक गांव है दौसा जिला का, महुआ तहसील का, रींदली जी। ये इस तरह उसमें दी गई है। पहला जो नाम है मसलन परिवार के मुखिया का नाम दिया हुआ है, राम सिंह मीना है, ये मुखिया है जी। क्या काम करते हैं, खेती, कौन सी जाति के हैं, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है तो ये इसमें लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे दूसरा नाम विजय सिंह मीणा का है और अनुसूचित जनजाति लिखा हुआ है। इसी तरह से पूरे जो इसमें गांव में है, मसलन एक दूसरा और नाम है राकेश छेपी है, ये परिवार के मुखिया हैं। अब इनका सरनेम देख करके कोई भी बता सकता है ये किस जाति के हैं जी। आगे और उनके परिवार के सदस्यों के नाम है, ये जगदीश प्रसाद छेपी, ये दूसरे मुखिया हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरी लिस्ट है इसको किसी भी लोकल आदमी से कंसल्ट करके और ये पता लगाया जा सकता है कि इस गाँव में किस जाति के कितने लोग हैं, क्योंकि जहां तक माइनॉरिटी की बात है माइनॉरिटी अपने नाम से पहचान में आ जाएगी। जैसे ये हरबाई सेनी नाम दिया हुआ है, अब इस सरनेम के जरिए ये जाना जा सकता है कि किस जाति से ये बिलोंग करते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार जो दावा कर रही है कि ये जारी नहीं किया जाएगा, ये पूरी जो लिस्ट है इसको अगर कुछ लोग बैठ करके अगर एनालाइज करते हैं तो जातिगत आंकड़े न केवल स्टेट के बल्कि गांव, तहसील और आप चाहे जैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राजनीतिक तौर से, प्रशासनिक तौर से, जैसे भी जिसे यूज करना हो वो यूज किया जा सकता है। यानी कि गोवर्धन कहा जाए कि सरकार शीशे के सामने पारदर्शी होने की जगह ये कह रही है कि शीशे से पर्दा किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ये एक राजनीतिक तौर से बहुत सेंसिटिव इशू इसलिए है कि जो बहुसंख्यक जातियां हैं, जिन जातियों के वोट बैंक जाता है और जिनको ये विश्वास है कि उनकी संख्या ज़्यादा है, तो वो जातियां चाहती हैं कि जो सेंसस के आंकड़े हैं, जो कास्ट सेंसस के आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। लेकिन कुछ जो माइनॉरिटी की जातियाँ हैं जिनको राजनीति में अभी अच्छा प्रतिनिधित्व तो मिला हुआ है, चाहे वो व्यापारी जातियाँ हों या जो राजनीतिक रूप से जिनका दखल अच्छा है, अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो उनका तर्क ये है, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनका जो राजनीतिक वजूद है, अभी उनको जो स्थान मिला हुआ है राजनीतिक पार्टियों के भीतर भी और दूसरे प्रतिनिधित्व के तौर पे, तो बहुसंख्यक जो जातियां हैं वो इनके प्रतिनिधित्व पे सवाल उठा सकती है। एक दूसरा वर्ग और है इसके जो इसकी खिलाफत कर रहा है, वो है जो समता आंदोलन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे और जो एक दूसरा जो संविधान वेताओं का, जो विधि वेताओं का तबका है, उसका यह कहना है कि देश में अगर जातिगत जनगणना का आंकड़ा सामने आ जाता है तो सारी चीजें जाति के नाम से होने लग जाएंगी, कोई मेरिट नहीं रह जाएगा और देश का एक जो माहौल है, सामाजिक जो माहौल है, वो केवल और केवल जाति की बेस हो जाएगा और ये एक समाज को तोड़ देगा। हालांकि उनके तर्क में दम भी लगता है। इन तमाम बातों के बावजूद जिस तरह सरकार ने ये लिस्ट बाहर डाली है तो वो जो गोपनीय रखने का बात है उस बात में वो बेमानी इसलिए साबित हो जाती है कि ये आंकड़ा अवेलेबल है आपके पास में। चलिए गोवर्धन, इसी पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप समझाने की कोशिश करें कि आंकड़े सरकार के पास है, वेबसाइट पर मौजूद है, मान लेते हैं कि आम जनता की पहुंच में नहीं होंगे क्योंकि एजुकेशन लेवल जो राजस्थान का है वो ठीक नहीं है, या यूं कहें कि साक्षरता का लेवल बेशक आंकड़ों में हो लेकिन वैसे कंप्यूटर्स के साथ वो फैमिलियर नहीं है, यानी कि आम आदमी से छुपाया गया। नेताओं को साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके इलाके में इतने जाति के इतने लोग हैं, यानी कि वो आसानी से समझ सके कि किस तरीके से
आगे की पॉलिटिक्स करनी है और जनता से छुपाया जा सके। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी कवायद है, हालांकि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, यूपीए सरकार के समय में ये पूरी कवायद शुरू की गई थी, पूरे देश में बवाल हुआ था। गौरव, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ समता आंदोलन के अध्यक्ष पीएन शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, सवाल ये है कि सरकार कहती है कि जातिगत जनगणना जो कराई जाएगी सार्वजनिक उसको किया नहीं जाएगा, लेकिन वेबसाइट पे सारा आंकड़ा मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जातिगत जनगणना तो की गई है, ये देश को बांटने की कार्रवाई है, जातिगत दुर्वृत्तियों को बढ़ाने की कार्रवाई है जी, और यदि कर ही ली है तो ये आंकड़े ऑफिशियली इनको डालने चाहिए जी, बाकायदा उजागर करने चाहिए जी, जिससे क्या होगा, जो आरक्षण का लाभ अगली जातियां ले रही है जी, उनको रोका जा सकेगा और जो वास्तव में पिछली जाति है उनको आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जी। तो सरकार को ये जनगणना कर ली है तो आंकड़े ऑफिशियली उजागर करने से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन इसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती है शर्मा जी, कि सरकार आंकड़े जुटा तो रही है लेकिन सार्वजनिक कर नहीं रही, वजह क्या नजर आती है? वजह ये है सरकार अज्ञात भय से ग्रस्त है, क्योंकि उस जातियों में क्या पिछड़ा बनने की होड़ लग जाएगी जी, वो कहेंगे ये आंकड़े झूठे हैं, हमारी नीति गलत है, दोबारा जनगणना कराई जाए, हम पिछड़े हैं, बिल्कुल पिछड़े हैं, कोई पड़े हुए नहीं है, बिल्कुल गरीब हैं, दलित हैं, ऐसा कहेंगे। लेकिन शर्मा जी, आंकड़ों को नकारा तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि बाकायदा आंकड़ों में मेंशन है किस गांव के अंदर कौन सा शख्स वहां पर है, किस जाति का है, आंकड़ों को नकारना मुश्किल होगा। बिल्कुल, अगर वो ऑफिशियली उजागर करती है सरकार जी तो उसका अच्छा परिणाम ही आएगा और पिछड़ों के हक में आएगा परिणाम। यानी कि आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, और ना सिर्फ होनी चाहिए थी बल्कि सार्वजनिक होनी चाहिए थी। चलिए पीएन शर्मा जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। गोर्धन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, समता आंदोलन के अध्यक्ष थे पीएन शर्मा जी, वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना की गई अच्छी बात है, सार्वजनिक भी इसको किया जाना चाहिए। देखिए इसके पीछे समाज में कई तरह के जो प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं उनका अलग अलग अपना अपना मानना है, जिसको ये लगता है कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो उसकी जाति के प्रतिनिधित्व को ज्यादा दिखाएंगे, अगर जिनकी संख्या ज्यादा है वो चाहते हैं कि ये सार्वजनिक हो। एक दूसरा पक्ष मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जातिगत जनगणना के साथ साथ में सामाजिक आर्थिक सर्वे भी है, जिस जो राजस्थान सहित पूरे जो देश के 640 जिले हैं उन जिलों में किस गाँव किस कॉलोनी में जो व्यक्ति रहता है उसकी जाति के साथ साथ में उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो व्यवसाय क्या करता है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, तो कुल मिलाकर के अगर सामाजिक और आर्थिक के साथ में जाति जोड़ती जाती है तो एक विवाद होता है जाति की वजह से। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक सर्वे अब तक होते रहे हैं, इस बार ये थोड़ा सा यूनिक इसलिए है कि सभी जो सर्वेयर गए थे गांव गांव ढाणी ढाणी उनको सबको टेबलेट पीसी दिए गए थे और उन्होंने ऑनलाइन तत्काल ये जो फार्म है ये सारी पूर्तियां करके और इस वेबसाइट पे डायरेक्ट अपलोड किया था। चलिए गोविंद, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि आंकड़े जुटा लिए गए और इस दौरान सरकार ने केंद्र को भी आंकड़े भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक बात यही की जा रही है कि इनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन वेबसाइट पर ये सबके लिए मौजूद है। यानी कि सार्वजनिक ना करने के बाद भी सार्वजनिक इनको किया गया है। राजनीति के अपने अलग अलग पहलू होते हैं। यहीं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भरतपुर का रुख करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से चुनावी रंजिश खूनी रंजिश में बदल गई। छोटे से ब्रेक के बाद।